राइट सर। कल सुबह राजेंद्र नगर पीवीएनआर एक्सप्रेसवे में 222 पिलर नंबर के बगल में एक सूटकेस में एक डेड बॉडी मिले थे। वो एक मोहम्मद रियाज अलियास इलियास बोल के उनका डेड बॉडी एक सूटकेस में मिले थे। वो जो अक्यूज्ड है वो 18 साल से नीचे बच्चे हैं, जुवेनाइल 1 और जुवेनाइल 2, और उनके रिश्तेदार हैं एक सोहेल बोल के शहीद नगर में रहने वाले और इरफान बोल के शहीद नगर में रहने वाले और उनका मदर तैयबा, ये तीनों भी इसमें शामिल हैं। जो सूटकेस में मर गया था उनका नाम है इलियास अलियास रियाज, चंद्रयान गुट्टा में रहने वाले हैं। तो इन्होंने ये तीनों भी एक ही एरिया में रह के पहचान के आदमी थे। जो मर गया वो ऑटो ड्राइवर के काम करते थे और जो ये जुवेनाइल 1 और जुवेनाइल 2 अक्यूज्ड है वो लोग पहले भी बैटरीज के केसेस में शामिल थे और एक एक्सट्रैशन केस 384 एक्सट्रैशन केस में भी मैलादेवपल्ली पीएस में शामिल थे। और जो अभी मर गया इलियास अलियास रियाज वो एक चित्रनाका पुलिस स्टेशन में अटेम्प्ट टू मर्डर केस 307 केस में भी वो शामिल थे। तो इन्होंने एक ऑटो के बैटरीज के चोरी के केसेस में इनके दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसके बाद में जो अभी वो सोहेल और इरफान शाही नगर में पहाड़ी शरीफ में रहने वाले हैं, इनके सिस्टर के साथ भी इनका बहन के साथ भी इन्होंने मिसबिहेव कर रहा था, हरासमेंट कर रहा था बोल के रियाज और इलियास के ऊपर इन्होंने पूरा प्लान करके मर्डर प्लान करके उन्होंने 8 तारीख को उनको पीते बोल के वाइन शॉप को लेकर गया और 2-3 जगह पीने के बाद घर को लेकर आया शहीद नगर पहाड़ी शरीफ में। घर में ये सारे मिलके रिश्तेदार सोहेल इरफान और जुवेनाइल और उनका मदर तैयबा चारों मिलके प्लान करके उनको मारा था, मार के उधर ही उनका कातिल किया है। उसके बाद जो भी उधर का ब्लड वगैरह है, खून वगैरह है, वो पूरा साफ़ किया है और जो बिस्तर वगैरह जिसमें ऊपर खून पड़ा था वो पूरा को निकाल के पहाड़ी शरीफ गुटे में फेंक दिया। उसके बाद घर पे एक सूटकेस था, सूटकेस में डेड बॉडी रियाज का डेड बॉडी को डाल के ये दोनों जुवेनाइल 1 और जुवेनाइल 2 एक ऑटो, उन्हीं का ऑटो लेकर ढूंढते ढूंढते इधर पीवीएनआर एक्सप्रेस वे राजेंद्र नगर में उनको सूटकेस को फेंका है। और हम आज वो दोनों को जुवेनाइल को हमने गिरफ्तार करके जुवेनाइल कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और बाकी तीनों हैं वो पहाड़ी शरीफ शहीद नगर में रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल को भेज देते हैं। तो ये तीनों के ऊपर भी पहले केसेस था और जो अभी मर गया है वो उनके सिस्टर को बहन को मिसबिहेव कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं बोल के इन्होंने प्लान करके उनको मार डाला।